गुड इवनिंग गाइस। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था ह्यूमन एनाटॉमी, आज हम बात कर रहे हैं चाइल्ड हेल्थ की, जो CHO में बहुत इंपॉर्टेंट है चाइल्ड हेल्थ भी। तो चाइल्ड हेल्थ को आज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले CHO उसके अंदर आ रखे हैं, वो सारे मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। राइट गाइस, तो आज हमने लिया है CHO, उसका पहला टॉपिक लिया है इसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न की जो केयर है उसके बारे में सारे क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो माई सेल्फ वनी सुथार फ्रॉम ट्री की नर्सिंग ज्ञान। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर गेट नोटिफिकेशन फर्स्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर वन है द एवरेज लेंथ ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बींग इज। एक नॉर्मल ह्यूमन बींग जो है एट बर्थ के समय उसकी लेंथ कितनी होती है, एवरेज लेंथ ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बींग। दैट मीन्स कि जब बच्चा पैदा होता है न्यूबॉर्न, उस समय उसका वेट कितना होता है। ऑप्शन सॉरी उसका हाइट कितनी है। ऑप्शन ए 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 43 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 35 सेंटीमीटर। रेलवे के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, RRB के अंदर पूछा गया था कि एक नॉर्मल एवरेज लेंथ कितनी है एट बर्थ, ह्यूमन बींग की एट बर्थ कितनी होती है, बर्थ के समय कितनी होती है हाइट। तो ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 43, ऑप्शन सी है 50 और ऑप्शन डी है 35। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज़ योर डी सी 50 सेंटीमीटर। वहाँ रेलवे में 49 और 50 दोनों ऑप्शन में थे, यहाँ पर मैंने 49 ऑप्शन नहीं दिया है, आपके लिए क्लियर है कि यहाँ पर आपका होगा एवरेज होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सनसेट साइन इज सीन इन द फॉलोइंग कंडीशन। सनसेट साइन किस कंडीशन में दिखाई देता है। राइट, तो ऑप्शन ए है आपका ए पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन बी हाइड्रोसिफिलस, ऑप्शन सी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट, ऑप्शन डी सीजर्स। देखें सनसेट साइन, जब हाइट आपका हेड बहुत बड़ा होता है ना, तो आइज जो है वो बंद दिखाई देती है, जिसको अपन बोलते हैं सनसेट साइन बोलते हैं। और ये सनसेट साइन आपको किस में दिखाई देता है, तो सनसेट साइन हमें दिखाई देता है जब ICB बड़ा हुआ होता है, हेड CSF ड्रेन नहीं होता है और एक्यूमुलेशन ऑफ CSF, तो हेड बहुत बड़ा हो जाता है, ये बच्चों के अंदर दिखाई देता है सनसेट साइन, तो वो दिखाई देता है आपका हाइड्रोसिफिलस के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, दैट इज बी हाइड्रोसिफिलस। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री। लेसिथिन एंड स्फिंगोमाइलिन रेशियो इज डन टू असेस द मैच्योरिटी ऑफ। तो लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का रेशियो किसकी मैच्योरिटी के लिए असेस किया जाता है, ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी फीटल सर्कुलेशन, ऑप्शन सी ब्रेन, ऑप्शन डी गोनाड्स। तो गाइस, जो लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन है वो किसके लिए असेस किया जाता है, यू शुड नो ये क्या है लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन, ये है आपके सर्फेक्टेंट, क्लियर, देट आर द सर्फेक्टेंट। और ये सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, ये कॉलेप्स होने से बचाते हैं, किसको कॉलेप्स होने से बचाते हैं, लंग्स को, एल्वियोलाई को कॉलेप्स होने से बचाते हैं, एल्वियोलाई को कॉलेप्स होने से बचाते हैं। और ये किसके द्वारा सिक्रेट होते हैं, दैट इज सिक्रेटेड बाय न्यूमोसाइट सेकेंड। क्वेश्चन मैंने एनाटॉमी बताया भी था, न्यूमोसाइट सेकेंड के द्वारा रिलीज होते हैं। तो ये किसकी मैच्योरिटी, लंग्स की मैच्योरिटी के लिए आपके हैं, तो किसको असिस्ट करता है, दैट असिस द मैच्योरिटी ऑफ लंग्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग लो बर्थ वेट मीन्स, लो बर्थ वेट क्या होता है, लो बर्थ वेट किसे कहते हैं, तो लो बर्थ वेट बेबी कौन सा होता है, ऑप्शन ए है आपका 2.8 kg, ऑप्शन बी है आपका 2.7 kg, ऑप्शन सी है आपका 2.5 kg, ऑप्शन डी है आपका 2.3 kg। तो गाइस अकॉर्डिंग टू WHO जो लो बर्थ वेट बेबी होता है वो होता है आपका जिसका वेट हो कितना, लेस देन 2.5 kg। तो आपका जवाब भी क्या होगा, सी लेस देन 2.5 kg, सी आपका सही आंसर होगा कि इससे कम है तो उसको अपन लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे, तो आंसर सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन लो बर्थ वेट बेबी इज। अब
हाई बच्चों को लो बर्थ वेट बेबी है उनको हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करने का बेस्ट मेथड कौन सा है? ऑप्शन ए है टेम्परेचर रिकॉर्डिंग, ऑप्शन बी है हॉट स्पॉन्जिंग, ऑप्शन सी है वार्म चेन, ऑप्शन की है की बेबी इन क्रेडल। तो लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं उनको लो बर्थ वेट उनको हाइपोथर्मिया को ट्रीट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू केएमसी कंगारू मदर केयर दैट इज अंडर द वार्म चेन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? वार्म चेन, सी इज द करेक्ट आंसर, कंगारू मदर केयर वार्म चेन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कंगारू मदर केयर इज नेसेसरी टिल बेबी अटेंड अ वेट ऑफ, मतलब कंगारू मदर केयर केएमसी वो कब तक देनी चाहिए, बेबी का वेट कितना हो जाए तब तक देनी चाहिए। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 1500 ग्राम, ऑप्शन बी है 2000 ग्राम, ऑप्शन सी है 2500 ग्राम, ऑप्शन डी है 3000 ग्राम। तो केएमसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केएमसी कि कितना वेट हो जाए, बेबी कितना वेट गेन कर ले उसके बाद केएमसी को बंद किया जा सकता है। तो मैंने बताया था कि लो बर्थ वेट कितना होता है 2.5 kg से भी लो, तो जब लो बर्थ वेट को क्रॉस कर जाएगा उसके बाद केएमसी अगर नहीं देंगे तो चलेगा। तो आपको एटलीस्ट कितना वेट करना है जब तक कि बेबी कितना गेन ना कर ले, 2.5 kg गेन ना कर ले। तो 2.5 kg दैट मीन्स 2500 ग्राम। तो आपका सही जवाब क्या होगा? राइट आंसर इज योर सी 2500 ग्राम, यस करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 7। डोज ऑफ विटामिन के इन प्रीटर्म बेबी इज, प्रीटम बेबी के अंदर विटामिन के का डोज कितना होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीटम बेबीज़ के अंदर विटामिन के की डोज पूछी गई और कई बार एग्जाम में आया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपका आएगा ही आएगा। चलो तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 0.5 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 1 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 1.5 मिलीग्राम, ऑप्शन डी 2 मिलीग्राम। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? राइट आंसर होगा आपका बी 1 मिलीग्राम, सॉरी ए 0.5 मिलीग्राम। ये आपका प्री टर्म के अंदर, टर्म बेबी के अंदर 1 मिलीग्राम। तो आपका प्री टर्म पूछा, क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया वो ध्यान रखना, प्री टर्म बेबी पूछा गया है तो प्री टर्म बेबी के अंदर तो 0.5, अगर टर्म बेबी पूछा गया है तो उसके अंदर आपका 1 मिलीग्राम। तो आंसर आपका सही होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। डोज ऑफ विटामिन के इन टर्म बेबी, ये अगला क्वेश्चन वही आ गया कि टर्म बेबी के अंदर विटामिन के का डोज कितना होता है? ऑप्शन ए 0.5 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 1 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 1.5 मिलीग्राम, ऑप्शन डी 2 मिलीग्राम। तो आपका सही जवाब क्या होगा? दैट इज योर बी 1 मिलीग्राम, राइट। यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आफ्टर बर्थ ऑफ अ बेबी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड। अब ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, बहुत सी बार पूछा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग को कब स्टार्ट करना चाहिए, राइट। तो ऑप्शन ए है आपके पास विद इन 2 आवर, ऑप्शन बी है विद इन 30 मिनट, ऑप्शन सी है ऑन सेकेंड डे, ऑप्शन डी है आफ्टर 1 वीक। तो याद रखना अगर यहाँ पर एज सुन एज पॉसिबल होता तो एज सुन एज पॉसिबल आंसर जाता, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करना, एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपको मिनट्स के अंदर दे रखा तो विद इन 30 मिनट आपको स्टार्ट कर देना है, दैट इज़ द राइट आंसर। तो ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए? 30 मिनट के अंदर अंदर स्टार्ट कर देनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर इज योर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच आर द एडवांटेजेस ऑफ डिलेड कॉर्ड क्लाइंबिंग? डिलेड कॉर्ड क्लाइंबिंग का एडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो ऑप्शन ए है इम्प्रूवड हिमाटोजेनस स्टेटस, यस। इम्प्रूवड आयरन स्टेटस, यस। रिड्यूस द रिस्क ऑफ IVH प्रीटर्म बेबीज, यस। एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सही जवाब क्या होगा? ये तीनों ही इम्प्रूव करता है, स्टेटस भी इम्प्रूव करता है, IVH भी इम्प्रूव करता है प्रीटर्म बेबी के, सॉरी IVH को भी रिड्यूस करता है और आयरन स्टेटस को भी इम्प्रूव करता है। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या हुआ? डी, राइट आंसर इज योर डी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द एक्सपेक्टेड रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूनेट विद इन 3 मिनट ऑफ बर्थ इज, एक्सपेक्टेड रेस्पिरेटरी रेट न्यूबॉर्न के अंदर न्यूनेट के अंदर कितनी होगी 3 मिनट के अंदर? तो ऑप्शन ए है आपका 40, ऑप्शन बी है आपका 60, ऑप्शन सी आपका 80, ऑप्शन डी आपका 100, और ये है आपका ब्रीथ पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट। तो 3 मिनट के अंदर वो किस रेट पे होगी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बी 60 ब्रीथ पर मिनट। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर इज योर
बी 60 ब्रीथ पर मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12। नियोनेट विद रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेसिया इज एसोसिएटेड विद, ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत सी बार पूछा गया है, रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेसिया, और रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेसिया किसका साइड इफेक्ट है? ऑप्शन ए हाइपोक्सिया, ऑप्शन बी हाइपोकैपनिया, ऑप्शन सी हाइपोक्सीमिया, ऑप्शन डी हाइपरऑक्सीमिया। तो देखिए रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेसिया होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ या हाई फ्रैक्शन ऑक्सीजन, जब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन दे दी जाए, तो अगर ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर कर दी जाए तो ऑक्सीजन की अधिकता की वजह से फ्री रेडिकल का डेवलपमेंट होता है, एंड दैट फ्री रेडिकल क्या करते हैं, रेट्रोलेंटर फाइब्रोप्लेसिया, तो ये आपका फाइब्रोप्लेसिया डेवलप करते हैं आँख के अंदर, तो फ्री रेडिकल की वजह से, तो ये किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की अधिकता की वजह से, इसमें ऑक्सीजन कम हो रही है, हाइपोकैपनिया, CO2 कम हो रही है, हाइपोक्सीमिया, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम हो रही है, तो क्या होगा, हाइपर ऑक्सीमिया, दैट मीन्स इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो सही जवाब आपका क्या होगा, डी, राइट आंसर इज योर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइपोथर्मिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, हाइपोथर्मिया इनमें से सब करता है, लेकिन हाइपोथर्मिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, कौन सी चीज़ हाइपोथर्मिया नहीं करता, क्या डेवलप नहीं होगा हाइपोथर्मिया की वजह से? ऑप्शन ए पुअर फीडिंग, यस हाइपोथर्मिया होगा, हाइपोथर्मिया होगा तो बच्चा फीडिंग नहीं कर पाएगा। ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड पेरिफेरल परफ्यूजन, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो याद रखिए पुअर हाइपोथर्मिया है तो उसकी वजह से पुअर फीडिंग होगी, क्योंकि हाइपोथर्मिया की वजह से आपका ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होगा, लेकिन ये इंक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन को बढ़ाता नहीं है, घटाता है, डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन घट बढ़ाता नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा इंक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन, ये गलत जवाब है, ये भी करता है, ये भी करता है और डिस्ट्रेस भी करता है, इंक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन को बढ़ाता नहीं है, घटाता है, तो सही जवाब है आपका सी, राइट आंसर इज योर सी। चलिए नेक्स्ट, बेस्ट साइट टू डेमोन्स्ट्रेट कैपिलरी फिलिंग इन इन्फेंट, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि इन्फेंट के अंदर कैपिलरी फिलिंग को किसके द्वारा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो आपका ऑप्शन ए नेल बेड्स, बी स्टर्नम, सी ईयर लॉबियल्स, डी ग्रेट टो। तो बच्चों के अंदर जो किया जाता है वो है आपका बी स्टर्नम, सही जवाब क्या होगा आपका बी स्टर्नम, स्टर्नम के द्वारा हम कैपिलरी फिलिंग टाइम को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, सही जवाब है आपका स्टर्नम। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ इन इंडिया, नियोनेटल डेथ का कॉमनेस्ट कॉज क्या है? ऑप्शन ए प्रीमेच्योरिटी, ऑप्शन बी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी RDS, ऑप्शन डी डायरिया। तो देखिए नियोनेटल प्रीमेच्योरिटी की वजह से क्या होता है, लंग्स का डेवलपमेंट नहीं होता है, इसकी वजह से आपका लंग्स का डेवलपमेंट नहीं होता, और लंग्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, लंग्स मैच्योर नहीं होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, लंग्स मैच्योर नहीं होगा, क्योंकि नियोनेटल डेथ के अंदर क्या होता है प्रीमेच्योरिटी आती है, नियोनेटल का मेन कॉज क्या है आपका प्रीमेच्योरिटी डेथ का, क्योंकि मेच्योरिटी प्रीमेच्योर बेबी बर्थ करेगा तो उसके अंदर क्या होगा लंग्स डेवलप नहीं होंगे, लंग्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से RDS के अंदर जाके, और तो मेन कॉज आपका क्या है प्रीमेच्योर, सेकेंडरी कॉज आपका RDS, पहला आपका क्या है प्रीमेच्योरिटी, तो राइट आंसर इज योर ए प्रीमेच्योरिटी, मोस्ट कॉमन कॉज प्रीमेच्योरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन प्रीटर्म लेबर मेडिकेशन गिवन टू द मदर टू स्टेब्लिश फिटल लंग मेच्योरिटी इज, प्रीटर्म लेबर अब लंग्स को मैच्योर करने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? ऑप्शन ए प्रोस्टाग्लैंडिंस, ऑप्शन बी बीटामेथासोन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी एड्रेनालिन। याद रखिए बच्चों जो आपका लंग मैच्योरिटी है दैट इज लंग मैच्योरिटी किसके द्वारा आती है, लंग मैच्योरिटी आती है आपकी किसके द्वारा, सर्फेक्टेंट के द्वारा, लेसिथिन एंड स्फिंक्टिनमाइलिन, और इसके प्रोडक्शन को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के द्वारा, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के द्वारा। तो अब इनमें से कौन सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, प्रोस्टाग्लैंडिन, बीटामेथासोन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनालिन, तो दैट इज योर बीटामेथासोन, बीटामेथासोन इज योर कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि लंग की मैच्योरिटी को बढ़ाता है, तो सही जवाब आपका क्या होगा बी बीटामेथासोन। चलिए अगला क्वेश्चन, एंटीरियर फोंटेनेल्स कॉरेस्पॉन्डेंस टू द आल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, अब एंटीरियर फोंटेनेल से कौन सी स्ट्रक्चर रिलेटेड है कौन सी नहीं है, ऑप्शन ए फ्रंटल सूचर, ऑप्शन बी कोरोनल सूचर,
सी लैम्बडाइटल सूचर, ऑप्शन डी सजाइटल सूचर। देखिएगा ये आपका फेटल हेड है राइट, और ये एंटीरियर फॉन्टेनिल, तो ये आपका फ्रंटल सूचर, ये आपका कोरोनल सूचर और ये आपका सजाइटल सूचर, सजाइटल सूचर और ये आपका लैम्बडोइडल सूचर, ये आपका लैम्बडोइडल सूचर राइट। तो ये लैम्बडोइडल, तो ये आपका एंटीरियर फॉन्टेनिल, ये आपका पोस्टीरियर फॉन्टेनिल। तो एंटीरियर फॉन्टेनिल को बनाने में तीन का रोल है, एक तो सजाइटल सूचर का और दूसरा आपका कोरोनल, और फ्रंटल तो बर्थ के बाद क्लोज हो जाता है। तो ये इसका मेन रोल कौन कौन सा है, कोरोनल सूचर और सजाइटल सूचर का, बट फ्रंटल ये वाला पार्ट है तो इसको इंक्लूड कर बर्थ से पहले तो ये हो गए आपके। बट ये लैम्बडोइडल सूचर किसको बनाता है, इसका लैम्बडोइडल सूचर का एंटीरियर फॉन्टेनिल के अंदर कोई रोल नहीं है, इसका किसके अंदर रोल है, लैम्बडोइडल सूचर पोस्टीरियर फॉन्टेनिल को बनाता है। तो एंटीरियर में आपका लैम्बडोइडल का सूचर का कोई रोल नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, दैट इज योर सी लैम्बडोइडल सूचर राइट। यस, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल सूचर इज नॉन एज, कोरोनल सूचर का पहले से ही क्लोज, प्रीमेच्योर क्लोजर होना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्बर्ट सिंड्रोम, बी एपर्ट सिंड्रोम, सी न्यूरोफाइब्रोमेट्रोसिस मेटोसिस और डी है ट्रकोमा। तो प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल सूचर इज नॉन एज एपर्ट सिंड्रोम, बी, राइट आंसर इज योर बी। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग नियोनेटल रिससिटेशन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस ऑफ सिक्रीशन, तो जब किसी पेशेंट को, किसी बच्चे को रिससिटेट किया जाए तो सिक्रीशंस को कहले से निकालेंगे। पहला है ऑप्शन ए माउथ फर्स्ट फॉलोड बाय नेजल कैविटी, पहले माउथ को करेंगे उसके बाद नेजल कैविटी को करेंगे। ऑप्शन बी नेजल कैविटी फॉलोड बाय माउथ, ऑप्शन सी फेरिंग्स फॉलोड बाय माउथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ ध्यान रखना, सबसे पहले आप माउथ को करोगे, माउथ को करने के बाद फिर जाओगे, अगर नेजल को पहले करोगे तो पेशेंट एस्पिरेट कर जाएगा बच्चा और उसके अंदर न्यूमोनिया का हो सकता है, इसलिए पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट क्लियर माउथ देन नेजल कैविटी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और कई बार आ भी चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सक्शन कैसे किया जाए। तो सक्शन को करना है तो आपको ध्यान रखना है माउथ को पहले करना है, उसके बाद नेजल कैविटी को करना है। तो राइट आंसर इज योर ए। यस, क्वेश्चन नंबर 20, अबगार स्कोर सिस्टम कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया एक्सेप्ट, तो कौन सा चीज़ अबगार स्कोर के अंदर इंक्लूड नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट, कलर, मोटर एक्टिविटी एंड हार्ट रेट। तो इसके अंदर कलर भी है, मोटर एक्टिविटी है, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट नहीं है, क्लियर। यहाँ पैटर्न है, तो ये आपका पैटर्न है, रेस्पिरेटरी रेट नहीं है, रेट हम काउंट नहीं करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं पैटर्न और रेट में, तो यहाँ पर आपका रेट नहीं है, तो राइट आंसर आपका होगा ए, करेक्ट आंसर इज योर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द हाइएस्ट इन्फेंट अमंग द फॉलोइंग, हाइएस्ट प्रायोरिटी इन्फेंट, सबसे पहले किसको अपन लेंगे इनमें से, ठीक है, हाइएस्ट प्रायोरिटी वाला कौन सा होगा। ऑप्शन ए है इन्फेंट विद बर्थ वेट 2.5 kg, ऑप्शन बी इन्फेंट ऑन आर्टिफिशियल फीडिंग, ऑप्शन सी इन्फेंट विद बर्थ वेट 2 kg, इन्फेंट विद अबगार 8। देखो 2.5 kg नॉर्मल है, आर्टिफिशियल फीडिंग है कोई इशू नहीं है, बट बर्थ वेट 2 है तो दैट इज योर, क्योंकि इंडिया के अंदर मैंने बताया था WHO के अकॉर्डिंग लेस देन 2.5 kg इज वॉट, दैट इज योर, अगर 2.5 kg से कम है तो वो क्या होगा, दैट इज योर लो बर्थ वेट। तो लो बर्थ वेट बेबी है, ये आपका लो बर्थ वेट है, तो लो बर्थ वेट बेबी को प्रायोरिटी से ट्रीट करना है। अब अगर स्कोर 8 है तो वो आपका लगभग लगभग नॉर्मल है, तो ये भी आपका कंसिडर नहीं होगा। तो आपका सबसे ज़्यादा अगर लो, ये आपका 4 या 4 से बिलो होता, अगर स्कोरिंग 4 से बिलो होती तो पहले इसको कंसिडर करते, बट अगर आपका यहाँ 2 kg है तो पहले आप इसको कंसिडर करोगे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, दैट इज़ योर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ अ न्यूबॉर्न हेड एंड ट्रंक इज अलाउड टू फॉल बैकवर्ड इट इलिसिट, तो आपका हेड एंड ट्रंक है फॉलोड टू फॉल पीछे की तरफ, जैसे बच्चे को पकड़ते हैं और वो, अगर आपने इस तरीके से पकड़ा है, ये पकड़ा और ये पीछे की तरफ, हेड एंड ट्रंक पीछे की तरफ बैक मूव करता है, तो इसको अपन कौन सा रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका
स्टेप इन रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी है प्लांटर रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी है स्टार्टल रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी है मोरो रिफ्लेक्स। तो दैट इज योर मोरो रिफ्लेक्स, ये आपका है मोरो रिफ्लेक्स। तो राइट आंसर आपका होगा डी। यस, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ इन्फेंट बॉर्न टू डायबिटिक मदर। डायबिटिक मदर वाले बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम इनमें से नहीं होगी? ऑप्शन ए हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन सी पॉलीसाइथेमिया, ऑप्शन डी मैक्रोसोमिया। तो हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है, पॉलीसाइथेमिया भी हो सकता है, मैक्रोसोमिया भी हो सकता है। बट कभी भी डायबिटिक मदर है तो उसको क्या है, कंटिन्यूस इंसुलिन का सिक्रीशन होगा, तो उस बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया की चांस है, उसको कभी भी हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा। पेशेंट डेवलप्स या न्यूनेट डेवलप्स हाइपोग्लाइसीमिया, नेवर डेवलप्स हाइपरग्लाइसीमिया। तो नॉट पूछा है तो आपको ध्यान रखना कौन सी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा, हाइपोकैल्सीमिया, पॉलीसाइथीमिया और मैक्रोसोमिया होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द राइट आंसर इज योर ए। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूनेटल रिफ्लेक्स एलिसिटेड बाय टचिंग द चिक्स ऑफ द बेबी। तो बच्चे को चिक्स को टच करते हैं तो अपना मुंह उस तरफ घुमा लेता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए मोरो रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी रूटिंग रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी स्टार्टल रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी सकिंग रिफ्लेक्स। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर इज योर बी रूटिंग रिफ्लेक्स। जब बच्चे के चिक को टच करते हैं तो वो अपने मुंह को उस चिक की तरफ घुमा, उस हैंड की तरफ घुमा लेता है चिक, तो उसको अपन बोलते हैं वाट, दैट इज रूटिंग रिफ्लेक्स, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इन्फेंट इज बोर्न प्रेसिपिटसली आउटसाइड द लेबर रूम। अब कोई इन्फेंट है वो लेबर रूम के बाहर ही डिलीवर हो गया, तो व्हाट इज द नर्स डू फर्स्ट? सबसे पहले नर्स क्या करेगी? ए टाई एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, बी स्टेबलिस्ड एन एयरवे फॉर द न्यू बॉर्न, सी एसर्टेन द कंडीशन ऑफ द यूटेराइन फंडस, डी अरेंज ट्रांसपोर्ट फॉर मदर एंड इन्फेंट टू द बर्थिंग यूनिट। अब बच्चा जिंदा है तो उसके लिए ए बी सी ही करेंगे, ए फॉर एयरवे। तो पहला काम होगा आपका एयरवे को मैनेज करना, तो राइट आंसर क्या, स्टेब्लिश एन एयरवे फॉर न्यू बॉर्न। तो राइट आंसर इज योर बी स्टेब्लिश्ड एन एयरवे फॉर द न्यू बॉर्न। तो न्यू बॉर्न के लिए हमें सबसे पहले एयरवे को करना है। तो ये हुए आपके कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो पीडियाट्रिक्स से चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड थे, और इसके अंदर हमने केयर को देखा। आगे इसके अलग सेकंड थर्ड पार्ट लेके आऊँगा, अब स्टार्ट करूँगा इसके साथ ही मैं कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के जो इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हैं वो मैं कल लेके आऊँगा, तो आप इंतज़ार करें। यस गाइज, आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 25, तो ये कम्प्लीट हुए, अब सेकेंड थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।